हे फ्रेंड, आपने जैसे कि कहा था तवा गुड्डा काइट बना के दिखाए, तो फ्रेंड ये मैंने इस वीडियो में आपको आगे फर्दर बना के दिखा रखे तवा गुड्डा काइट। सबसे पहले मैं आपको उड़ा के दिखा देता हूँ, क्योंकि कई दोस्त हैं वो कहते हैं कि सर ये उड़ता नहीं है, तो पहले मैं आपको उड़ा के ही दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से फ्लाई कर रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको पता लग जाएगा। और बाद में वीडियो के बाद भी मैंने पूरी तरह से स्टार्टिंग से ही उड़ा के दिखा रखा है किस तरह से आपको उड़ाना है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बनाना किस तरह से। हे नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर में। तो फ्रेंड काफी ने कमेंट किया कि सर एक तवा काइट बना के दिखाइए, तो फ्रेंड चलो मैं आपको आज एक तवा काइट बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसी तरह का डबल साइड न्यूज पेपर ले लेना है जैसे कि यह है। तो कटिंग देखिए अब तवा काइट की किस तरह से आपको कटिंग करनी है। यहाँ से आपको ले जाना है ऐसे, और ये हल्का सा बेंड करना है इधर से। फिर से देखिए यहाँ से आपको ऐसे ले जाना है, यहाँ से सीधा ऐसे, और हल्का सा बेंड इधर को करना है नीचे। अब हम टेढ़ा कर देते हैं थोड़ा अखबार को, अब नीचे की तरफ यहाँ तक ले जाएंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। तो फ्रेंड फिर से देखिए, अब दोबारा से आपको समझ आ जाएगा यहाँ से आप देख जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से नीचे ऐसे, फिर इधर, और फिर इधर की तरफ हम निकाल देंगे। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कटिंग के बाद, और बड़े ही ध्यान से आपको कटिंग करनी है इसकी, क्योंकि ये थोड़ी गोलाई में कटिंग है। तो चलिए मैं जल्दी से इसकी कटिंग कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर काफी आज तेज हवा चल रही है तो इसीलिए यह अखबार भी बार बार उड़ रहा है। तो फ्रेंड आपको बड़े ही ध्यान से कट करना है, खास तौर के इधर वाला पोर्शन जब ये गोलाई में होता है तब। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर हवा के कारण ये बार बार अखबार उड़ी जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ये ना उड़े। देखिए फ्रेंड इस तरह से बड़े ही ध्यान से आपको कटिंग करनी है, और खासतौर यहाँ से जब हम इधर की तरफ इसको लाएंगे तब। मैं यहाँ से कर देता हूँ इसकी कटिंग। तो ये फ्रेंड हमारी कटिंग हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हैं। आप देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, इस तरह का आपको इंटरफेस इसका मिलेगा कटिंग के बाद। चलिए मैं इधर से भी दिखा देता हूँ आपको एक बार सामने से भी। तो देखिए फ्रेंड अब आपको लग ही रहा होगा तवा काइट के कटिंग की शेप। तो चलिए हम इसको बना देते हैं। बनाने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ये मेरे पास कुछ पुराने तिल्ले हैं और कुछ झाड़ू के भी तिल्ले हैं। ये मेरे पास पुराने पतंग का तिल्ला है, तो मैं इसको इस तरह से स्ट्रेट में लगाऊंगा यहाँ पर ऐसे। और ये मैंने क्या किया हुआ, दो तिल्लों को जोड़ा हुआ, देख सकते हैं फ्रेंड, एक तिल्ला ये, एक तिल्ला ये, देखिए दोनों को जोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस तिल्ले को इस तरह से यूज करने के लिए यहाँ पर। तो चलिए मैं इसको जल्दी से जोड़ देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सीधे वाला तिल्ला लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो मैं टेप निकाली थोड़ी और यहाँ पर इसको रखा सीधा, इधर से लगा देते हैं सही रहेगा, यहाँ से यहाँ रखा और ये हमने यहाँ पर इसको चिपका डाला। तो ये फालतू का जो टेप है हम पीछे की तरफ इसको मोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो चुका है, अब नीचे की तरफ भी शेप लगा देता हूँ इसको मैं। यहाँ पर मैं चरखड़ा रख लेता हूँ अपना थोड़ा सा, ताकि ये उड़े नहीं, क्योंकि हवा तेज चल रही है आज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर आमतौर पे यह हवा इतनी तेज होती नहीं है, लेकिन क्या हुआ कल दो दिनों से बारिश हो रही है। तो अब यहाँ पर इधर ऐसे ये हमने यहाँ पर लगा, इसको एक सेंटर में भी लगा लेते हैं हम इसके, एक ये हमने यहाँ सेंटर में लगाया। अब गोल तिल्ले के लिए जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया है, गोल तिल्ले के लिए यहाँ से यहाँ लगेगा ये गोल तिल्ला ऐसे इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले हमें टेप निकाल के रखनी है गोल तिल्ले के लिए। मैं इस पर फिर से रख देता हूँ ताकि उड़े नहीं। तो थोड़ी टेप निकाल के मैंने लगाया और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ मैंने पहले इसको यहाँ पर चिपका दिया यहाँ से ऐसे, थोड़ी टेप और लगा देता हूँ ताकि ये मजबूत हो जाए यहाँ से अच्छी तरीके से। तो ये मैंने यहाँ से टेप से इसको अच्छे से मजबूत कर दिया है। अब दूसरी साइड लगाने के लिए सबसे पहले थोड़ी टेप निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने थोड़ी टेप निकाल ली है। अब यहाँ से ऐसे मोड़ा हमने इसको, और यहाँ से इधर ऐसे यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ इसको, ये मैंने यहाँ पर भी इसको चिपका डाला। तो थोड़ी और टेप लगा देता हूँ ताकि ये फिर यहाँ से भी मजबूत हो जाए बिल्कुल पक्के से।
ये मैंने यहाँ पर टेप इसके तरफ लगा दी। तो फ्रेंड यहाँ पर ये तो हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन अब ये क्या है, अब ये नीचे की शेप इसी तरह से रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह के मेरे पास तिल्ले हैं, तो मैं तिल्ला यहाँ पर ऐसे हम एक स्ट्रेट तिल्ला यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मेरे पास छोटे छोटे दो तिल्ले हैं तो मैं दो तिल्लों का भी यूज़ इस तरह से कर सकता हूँ ताकि नीचे की शेप सही रहे। तो मेरे पास यहाँ पर दो तिल्ले हैं, ऐसे मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पर ताकि नीचे की शेप ऐसे की एज इट इज़ रहे। तो चलिए मैं इन दोनों तिल्लों को आपस में पहले जोड़ लेता हूँ। तो थोड़ा मैं यहाँ पर यह रख देता हूँ अपनी चरखड़ी ताकि ये पतंग उड़े ना। तो सबसे पहले तो मैं इन तिल्लों को आपस में जोड़ देता हूँ ताकि ये नीचे की तरफ यूज किया जा सके। तो मैंने इनको ऐसे लिया और यहाँ से लेके इसको ऐसे जोड़ डाला। तो फ्रेंड देखिए मैंने ये दोनों तिल्लों को यहाँ पर जोड़ दिया, अब नीचे की तरफ इनको हम टेप से लगा देंगे। तो चलिए वो कर देते हैं कंप्लीट अब। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। एक टेप इधर लगा देते हैं और एक उस साइड में लगा देते हैं हम यहाँ पर टेप। तो एक टेप हमने यहाँ लगा दिया फ्रेंड और एक टेप हम उधर लगा देते हैं अब। तो एक टेप हमने लगा दी है यहाँ पर ऐसे। अब देखिए आपको क्या करना, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी क्या करना आपको, इधर से इधर ऐसे और इधर से इधर ही ऐसे यहाँ पर। तो मैं इसी को ही यूज करता हूँ, यहाँ से ये मैंने तोड़ लिया तिल्ले को ऐसे और इधर से ऐसे। तो एक ये यहाँ पर लगाना है ताकि बिल्कुल ही अच्छे से दिखे। तो मैं इसको भी चिपका डालता हूँ, देखिए फ्रेंड अब आपको अच्छे से पता लग गया है। यहाँ पर एक टेप यहाँ पर लगा देते हैं हम और सेम वे में ही इसको यहाँ चिपका डालते हैं। तो फ्रेंड अब हमारी काइट ऑलमोस्ट हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हैं अपनी काइट को स्ट्रेट में से यहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड देखने में कितनी अच्छी लग रही है, मैं बैक साइड भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड स्ट्रेट में भी दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए। तो फ्रेंड अब बारी आती है इसके कन्ने कैसे डालने हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल काइट की ही तरह एक होल यहाँ करना है, एक यहाँ करना, मैं होल कर ही देता हूँ इसके साथ। ये यहाँ किया मैंने, यहाँ किया और बिल्कुल सीधा ऐसे हाथ करके जहाँ पर भी हमारा ये आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कन्ने डालने हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड चलिए हम इसको डाल देते हैं कन्ने भी यहाँ पर जल्दी से। तो ये मैंने यहाँ पर डोर ली, इसको बांध देता हूँ मैं यहाँ से क्योंकि थोड़ी भारी पतंग है, गुड्डा है। ये मैंने यहाँ से निकाल लिया इसको इधर से इधर ऐसे, और यहाँ पर हमने इसको किया बांध दिया, यहाँ से ऐसे बांधा हमने। अब नीचे से इधर से हमने करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ से निकाले हमने डोर, अब इधर से इधर और यहाँ पर हमने इसको बांध दिया। और अब सेंटर हम इसे रखेंगे बिल्कुल, तो ये हमने यहाँ पर सेंटर पे इसका रख लिया। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये काइट, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स एंड लव यू ऑल। गाइस आप देख सकते हैं ये वही काइट है जो मैंने बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ इस काइट को लेके फ्रेंड स्टेज पे से भी, यहाँ पर फुटेज हवा चल रही है। देखिए मैंने काइट लवर भी लिखा है यहाँ पर, इस कैमरे के पास लाता हूँ मैं, अब आपको शायद दिख ही गया होगा। तो चलिए मैं उसको उड़ाता हूँ। अभी ये जब हवा में लगेगी फिर आपको अच्छे से दिख जाएगी।
देखिए फ्रेंड यहाँ पर अब ये हवा में लग चुकी है। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर किस तरह से ये वर्क कर रही है, देखिए कितने आसानी से आराम से प्यार से उड़ रही है यहाँ पर। ये थोड़ी मैं इसको आगे की ओर ले जाता हूँ। अब मैं कैमरामैन को बोलता हूँ भाई जरा दिखा दो थोड़ा सा इनको। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये उड़ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा मैं और आगे ले जाता हूँ इसको। अब देख सकते हैं आप इसको, ये देखिए फ्रेंड्स किस तरह से यहाँ पर उड़ रही है ये।